वेलकम टू द न्यू सीजन ऑफ द हेल्थ मैगजीन। आजकल काफी सारे लोग एक्साइटेड, स्ट्रेस्ड आउट और एंशियसनेस फील कर रहे हैं। रीजन? वेल, द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज हियर एंड जस्ट लाइक यू गाइस आर देयर, वी टू आर रूटिंग फॉर आवर फेवरेट टीम। लेकिन आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे टाइम्स में हम बहुत कुछ खा पी लेते हैं, बीट ऑयली फ्राइड चिप्स या कोला, एंड सम पीपल लाइक मी इवन बाइट ऑन देयर नेल्स। इस वर्ल्ड कप सीजन से नो टू दीज फूड्स, पॉपकॉर्न्स, पिज्जाज एंड बर्गर्स, वेफर्स, कोलास एंड ड्रिंक्स। वी इंडियंस आर ह्यूज फैंस ऑफ मैचेस, सो जब मैचेस होते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ जाता है। पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, खाना भी टीवी के सामने हो जाता है, और फिर सब गलत चीज़ें खाते हैं जैसे कि बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, और फ्रेंड्स के साथ अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ जाता है। सिटिंग नॉन स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फॉर ओवर 7 to 8 hours इज बाउंड टू टेक अ टोल ऑन योर बॉडी, बी इट योर स्टमक और आईज। बट यू कैन नॉट। इस वर्ल्ड कप सीजन हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी रेसिपीज दैट विल कीप योर एक्साइटमेंट लेवल्स राइट अप देयर एंड कीप योर हेल्थ इन चेक एज वेल। आज हम बनाएंगे कैरेट सुंदल, होल व्हीट कैरेट पैनकेक, धनिया आई ड्रॉप्स। हियर आर सम ऑफ द टॉप फूड्स दैट कैन गिव यू अ हेल्दी जंप स्टार्ट इन दिस वर्ल्ड कप सीजन। इस वर्ल्ड कप सीजन जो फूड्स आपको हेल्दी और फिट रखेंगे वो है कैरेट्स, आलमंड्स, spinach, curry leaves, coconut. Carrots are very good for the eyes. It's very rich in beta carotene, which is a good antioxidant and therefore it's very cardio protective. आपके heart को protect करता है. Coconut oil has got MCTs, which are medium chain triglycerides, which are very good for liver health. नारियल का जो पानी होता है, coconut water, this is very high in potassium and it helps to lower blood pressure. So for people with hypertension या फिर high blood pressure, we actually advise them to have coconut water. Almonds are a good source of omega 3 fatty acids, hence very good for the heart. It helps to lower cholesterol, the bad component of cholesterol. Almonds are also considered to be a very good snack for diabetic patients. Studies have shown that nutrients in palak actually suppress cancer cells and therefore it's very good if you want to prevent cancer. Curry leaves help for people who are having diabetes and it also helps to lower cholesterol levels. And the surprise element about curry leaves is that it actually prevents graying of hairs. Now that we know the benefits of these top 5 foods, चलिए देखते हैं शेफ शांतनु आज हमारे लिए कौन सा वर्ल्ड कप स्नैक बनाने वाले हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट ये जब चालू होता है तो मन करता है टीवी के सामने बैठो, चटपटा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, अनैश करो। यही वो वक्त है जब हम नजदीक वाले रेस्टोरेंट से, नुक्कड़ से, फास्ट फूड जॉइंट से कुछ चटपटा ग्रीसी मंगाते हैं और हेल्थ के 12 बज जाते हैं। तो ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो बने बहुत आसानी से, जल्दी बने, लेकिन हेल्थ से भरपूर हो, उसके साथ साथ स्वादिष्ट भी हो। चलिए आपके लिए खास वर्ल्ड कप रेसिपी कैरेट सुंदर। यहाँ पे कसा हुआ गाजर है मेरे पास, और ये जो दाल है मूंग की दाल, इसे मैंने उबाला है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं उबाला है। इसके दाने जो है वो पूरी तरह से साबुत होने चाहिए, तो बॉयल इतना ही करें कि वो पूरा होल रहे। मूंग दाल इज रिच इन प्रोटीन, वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन। इनफैक्ट जिन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होता है, हम उनको बोलते हैं कि मूंग दाल का इस्तेमाल ज्यादा करो, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। गाजर वैसे तो सब जगह ही कद्दूकस करके मिलता है, हम थोड़े से मेलन बॉल्स बना लेते हैं। जस्ट एक तरफ से आप इसे अच्छे से गाजर में डालिए और देन जस्ट रोटेट इट राउंड लाइक दिस। कैरेट्स आर अ ग्रेट स्नैक, स्पेशली जब आपको बीच में भूख लगती है और आप सोचते हो कि हमने क्या खाना चाहिए, तो अगर आप कैरेट स्टिक्स हंकड़ के साथ लेते हैं तो इट मेक्स फॉर अ परफेक्ट स्नैक। आपका वजन भी नहीं बढ़ाएगा एंड इट विल आल्सो कीप योर शुगर्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक। तो गाजर कद्दूकस किया हुआ, बॉइल्ड दाल एंड कैरेट कूप्स, ये तीन ही चीजें हैं मेन जिससे बनने वाला आपका कैरेट सुंदर। रेडी विद माय टाइनी वोक, इसे गर्म होने देते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा ऑयल, कौन सा कुकिंग मीडियम चूज करें। इस रेसिपी के लिए आई एम यूजिंग लियोनार्डो प्योर ऑलिव ऑयल। अब इसमें कौन सी खास बात है भाई? सबसे पहले तो इसकी खास बात ये कि ये 1/3 इस्तेमाल होता है, यानी अगर कोई भी रेसिपी में अगर आप 3 चम्मच तेल डालने वाले हैं तो इससे 1 चम्मच से ही काम हो जाएगा। Leonardo olive oil is good for health because it's got the heart-friendly MUFA, which is monounsaturated fatty acids. It's got zero trans fats, which are the harmful fats for the heart, and it also makes you feel light. अब ऐसे कैसे कोई जादू है क्या कि बाकी के तेल जो है वो 3 चम्मच लगते हैं और 1 ही चम्मच लगता है? तो रीजन ये है
कि ये जो स्प्रेड होता है ये बहुत इवनली स्प्रेड होता है आपके पैन के ऊपर या किसी भी चीज में अगर आप डाल रहे हैं, तो इसीलिए ये 1/3 ही लगता है और पूरा टेस्ट टेक्सचर वैसा का वैसा और रादर बेटर आता है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल हियर, प्योर ऑलिव ऑयल ये मैंने लिया है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हल्दी डालने वाले हैं, जस्ट अ हिंट ऑफ टर्मरिक इनसाइड दिस। नाउ आई एम एडिंग ऑल द ग्रेटेड कैरेट्स, तो ये कैरेट्स इसमें डाल दिए जो कद्दूकस किए थे, और ये वाले आप चाहे तो इसे थोड़ा सा पार बॉयल यानी सेमी बॉयल करके भी ले सकते हैं। अगर आप क्रंची पसंद करते हैं तो देन डोंट बॉयल इट। सो अ लिटिल बिट ऑफ द राउंडल्स ऑफ कैरेट्स ऑल गोइंग इन सॉटे लाइटली टॉस करना है। टाइम फॉर द दाल, ये ले ली, ये इसमें लगभग इक्वल रेशियो है दाल और गाजर का। अगर आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स इसमें आप डाल सकते हैं, जितने ज्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही ज्यादा हेल्दी होगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट स्टिकिंग टू कैरेट सुंदर, सो ओनली कैरेट्स एंड दाल। कितना सिंपल सा रेसिपी, मुझे पता नहीं आप लोग क्यों फोन करते हैं, बर्गर खाते हैं, तला हुआ वो चटपटा रोल खाते हैं और फिर बोलते हैं यार वर्ल्ड कप हो गया और मेरा 2 किलो बढ़ गया। बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ बनाओ ना तो कुछ बढ़ेगा नहीं। वंस दिस इज डन, थोड़ा सा पानी इसमें स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो गाजर है, जो कैरेट्स है, जो दाल है, इसमें अगर थोड़ा सा कच्चापन है तो वो भी निकल जाएगा। चलिए अब देखिए लगभग पानी जो है वो तो भाप बन के उड़ गया है, अब बारी है इसमें नमक डालने की, सॉल्ट। तो जस्ट अ लिटिल बिट सॉल्ट, ये डालने के बाद बारी आती है टेंडर फ्रेश कोकोनट डालने की। तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट, थोड़ा सा कोकोनट डाल देते हैं एंड नाउ ये ढक्कन बंद। इंडिया की टीम हारे या जीते खाने में तो मुझे मजा चाहिए। ये छोटा सा पैन फिर से एक बार लियोनार्डो प्योर ऑलिव ऑयल, जैसे मैं कह रहा था 1/3 द क्वांटिटी। तो टेम्परिंग के लिए आप देखेंगे अक्सर रेस्टोरेंट से मंगाते हैं खासकर साउथ इंडियन फूड, तो इट्स फुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड लॉट ऑफ इट विल रिड्यूस दैट। टेस्ट लगभग वही है क्योंकि कोकोनट तो इसमें डाला है, बट बाकी सारी चीज़ें क्या है, उड़द दाल है, थोड़ी सी करी लीव्स है, हींग है मेरे पास, यहाँ पे मोरी, लोकल लैंग्वेज में मोरी कहते हैं, वैसे इसे मस्टर्ड भी कहते हैं। तो दैट्स अभी गर्म हो गया बिल्कुल, जैसे ही गर्म हो जाए सबसे पहले हींग, थोड़ा सा हींग यानी डेविल्स डंग, उसके साथ साथ ये उड़द दाल, ये उड़द दाल के साथ साथ सरसों, ये मस्टर्ड, करी लीव्स, द मैजिक ऑफ साउथ इंडिया, इसके साथ साथ लिटिल बिट ग्रीन चिलीज, तो जस्ट सम चॉप्ड ग्रीन चिलीज। मुझे कभी कभी लगता है हम अपने इंडिया में इन ऑल रीजन्स इतनी मिर्ची खाते हैं फिर भी कभी कभी मीठा बोल ही लेते हैं। नहीं, खाना कितना भी स्पाइसी बने बातचीत करते वक्त एकदम शहद टपकना चाहिए। थोड़ा सा नमक, ये इसमें सॉल्ट एंड देन अगेन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी, और अब बस इसे भूनना है। ये टेम्परिंग तैयार और अब इसकी भाप चाहिए। यस, लुक एट दैट, नाइस स्टीमिंग हॉट, बट एट द सेम टाइम अभी भी दाल दिख रही है अलग, गाजर अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा मैशअप हो गया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रेसिपी, स्टीमिंग हॉट। अब लगभग 3/4 जो टेम्परिंग है ना, यानी ये जो हमने तड़का बनाया है ये इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा मैं रखूंगा, थोड़े से करी के पत्ते भी, ताकि हमारी जो डेकोरेशन है वो उसमें काम आ जाए। विल जस्ट मिक्स दिस टू, ताकि हमारा सुंदर जो है यानी सुंदर जो है वो और भी सुंदर हो जाए, दिखने में भी सुंदर, स्वाद में भी सुंदर और हेल्थ में सबसे ज़्यादा सुंदर। तो संदल तो पूरी तरह तैयार है, अब है तो बिल्कुल देसी, लेकिन अंदाज प्रेजेंटेशन का थोड़ा
विदेशी, तो इसे थोड़ा सा सैलड प्लूश यानी सैलड के बंच के साथ सर्व करेंगे। गॉट डिफरेंट लेट्यूस हियर, इसे कहते हैं फ्रीजे, ये इसके ऊपर ये आइसबर्ग क्रंची जो अक्सर सीजर सैलड में यूज होती है, ये वाली लोलोरोसो जो थोड़ी सी लाल रेडिश होती है, ये एंड सम, ये देखिए कैबेज भी जो है यानी पत्ता गोभी जो है वो भी कलर्स में आता है। जस्ट प्लेस इट हियर, क्या दिखता है देखिए, अब ये सुंदर की बारी, ये पोर्शन साइज कंट्रोल में रखे, नॉट टू मच नॉट टू लेस, थोड़ा सा ये जो फ्रेश कोकोनट था ये हल्का सा ऊपर, एंड देन ये जो बचा हुआ टेम्परिंग था हमारे पास ये थोड़ा सा ये स्प्रेड करके ये ऊपर से, ये रहा, और थोड़ा और अंग्रेजी करना ही है आपको तो ये बैल्सामिक विनेगर आता है, काला वाला विनेगर ग्रेप से, रेड ग्रेप से बना हुआ, इसे मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करके रखा है, ये लेके थोड़ा देसी विदेशी कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए है तो कैरेट सुंदर लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, झटपट बन गया है, सेहतमंद भरपूर है, ऑलिव ऑयल भी है, इट्स वेरी हेल्दी टेस्टी सिंपल, प्लीज मेक इट। दुआ करते हैं कि हम अच्छा अच्छा खाना बनाएं और वर्ल्ड कप फिर से एक बार इंडिया ही जीते। कैरेट सुंदर विद चिली तड़का बनाने के लिए एक पैन में प्योर ऑलिव ऑयल गर्म करें, इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालें, फिर ग्रेटेड गाजर और गाजर के राउंड बॉल्स को ऐड करें। अब इसमें मूंग दाल डालें, अब इस मिक्सचर को सौते करें, उसके बाद इसमें पानी स्प्रिंकल करें, आखिर में इसमें ग्रेटेड कोकोनट्स मिलाएं। एक दूसरे पैन में प्योर ऑलिव ऑयल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग, उड़द दाल, सरसों, नमक, करी लीव्स और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और अच्छे से सौते करें। अब इस तड़के से कैरेट सुंदर को गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। सच रेसिपीज हेल्प अस इन कीपिंग अ चेक ओवर द एक्सेस इनटेक ऑफ अनहेल्दी स्नैक्स। सो दिस वर्ल्ड कप सीजन टिकल दोस टेस्ट बड्स विद सम न्यूट्रिशियस अनहेल्दी स्नैक्स। ब्रेक के बाद वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर दोस क्रिकेट लवर्स हु हैव अ स्वीट टूथ, और उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं हेल्दी फूड्स आर एक्सपेंसिव। कैच यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बनाएंगे होल व्हीट कैरेट पैनकेक।